नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश शिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं पिछले 3 पार्ट से आप लोगों को गोचर पढ़ा रहा हूं। गोचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कुंडली के अंदर दिखना। तो 3 पार्ट्स मैंने उसके अंदर आपको गोचर बताए हैं कि किस तरीके से गोचर कहाँ कहाँ अच्छे होते हैं, कहाँ कहाँ गोचर अशुभ होते हैं, कैसे गोचर देखना चाहिए, वो सारा मैंने आपको पिछले 3 पार्ट्स में बताया। अगर नहीं देखा है आपने तो काइंडली वो 3 पार्ट्स देख लीजिए, ताकि इस पार्ट में मैं उदाहरण दूंगा तो वो समझने में आपको आसानी हो जाएगी। इस पार्ट में मैं वो जो पीछे पढ़ाया है सारा, उसका उदाहरण देने की कोशिश करूंगा कि कैसे हम लोग कुंडली के अंदर स्पेसिफिकली गोचर को चेक करें। अब आप एक विधा तो जानते ही हैं, ज्योतिष में एक विधा और भी है जिसे अष्टक वर्ग के नाम से जाना जाता है। तो अष्टक वर्ग में डिफरेंट कक्षाओं का भी जिक्र होता है कि जब कक्षा बन कौन कौन सी कक्षा होती है। 8 कक्षा टोटल होती है इसके अंदर, और वो 8 कक्षा जो होती है वो सारे ग्रहों की प्लस लगन की होती है, यानी सूर्य चंद्र मंगल राहु केतु उसमें काउंट नहीं होते। सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि एंड चंद्रमा, और चंद्रमा तो आ चुका, और लग्न, यानी 8 टोटल कक्षा होती है। वो कक्षा कैसे आती है? कक्षा ऐसे आती है कि एक राशि जो हमारी 30 डिग्री की होती है, उस 30 डिग्री की राशि को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं 8 भागों में। तो 30 डिग्री को अगर हम 8 भागों में डिवाइड करेंगे तो एक भाग का मान यानी एक कक्षा का मान आएगा 0 degree 3 degree 45 minutes। यानी एक कक्षा जो होती है, पहली कक्षा, वो 0 से लेके 3 degree 45 minutes तक होती है। दूसरी कक्षा 3 degree 45 minutes से स्टार्ट होती है और उसमें फिर 345 जोड़ देंगे तो 7 degree 30 minutes तक की होती है। तीसरी कक्षा 7 degree 30 minutes से लेके 11 degree 15 minutes तक की होती है, और इसी तरीके से आगे बढ़ती जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि एक कक्षा का मान 3 degree 45 minutes रहता है, क्योंकि 30 डिग्री को हमने 8 से डिवाइड किया है तो 3 degree 45 minutes आता है। तो ये कक्षाएं होती हैं। भी कक्षाएं होती किस तरीके से हैं, इनका अरेंजमेंट क्या होता है? अरेंजमेंट इनका ये होता है कि सबसे पहली कक्षा जो होती है वो होती है सबसे मंदगामी ग्रह की, यानी जो सबसे स्लो चलने वाला ग्रह है उसकी पहली कक्षा होती है। दूसरी कक्षा जो उससे तेज चलता है, तीसरी कक्षा जो उससे तेज चलता है, चौथी कक्षा जो उससे भी तेज चलता है, और ऐसे ऐसे बढ़ते जाता है। तो हमारे ग्रहों में सबसे मंदगामी ग्रह कौन सा है? मंदगामी ग्रह के बारे में आप जानते ही होंगे कि देखिए, जैसे गुरु जो है वो एक राशि में 1 साल लेता है, शनि एक राशि में 2.5 साल लेता है, तो शनि सबसे मंदगामी ग्रह है। तो कभी भी जो पहली कक्षा होगी, इतना आप ध्यान रखिए कि पहली कक्षा हमेशा शनि की होगी। दूसरी कक्षा उससे तेज चलता है गुरु, गुरु की होगी। तीसरी कक्षा उससे तेज चलता है मंगल, जो कि 45 दिन में चक्कर लगाता है, 45 दिन में राशि पार कर लेता है 30 डिग्री की, तो मंगल आपका हो गया, उसकी तीसरी कक्षा हो गई। उससे तेज चलता है सूर्य, क्योंकि सूर्य को हम घूमता हुआ मानते हैं अपनी ज्योतिष के अंदर, तो चौथी कक्षा उसकी हो गई। उससे भी तेज चलता है शुक्र, तो 5वीं कक्षा शुक्र की हो गई। उससे तेज चलता है बुध, तो 6ठी कक्षा बुध की हो गई। 7वीं फिर चंद्रमा की हो गई, क्योंकि चंद्रमा उनसे भी तेज चलता है, एक राशि में 2.25 दिन रहता है। और सबसे तेज चलता है लगन, लगन हर 2 घंटे में चेंज होता है, तो लगन की कक्षा 8वीं कक्षा हो गई। तो इस तरीके से हमने 8 कक्षाओं को डिवाइड कर दिया है। कि कैसे हम 8 कक्षाओं को डिवाइड करते हैं कि 0 से 3 degree 45 minutes तक शनि, 3 degree 45 minutes से 7.5 degree तक गुरु, इस तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं। सबसे पहले मंदगामी ग्रह आता है, फिर उससे तेज, फिर उससे तेज, फिर उससे तेज, इस तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं। और ये 8 कक्षा डिफरेंट ग्रहों को और लगन को असाइन हो जाती है। इनका बहुत अच्छा यूज है, ये मैं आपको बताऊंगा कैसे इनका यूज है। तो इतना आप अभी समझिए, कक्षा समझिए, आप कक्षा की जो वैल्यू है वो समझिए, कितनी वैल्यू होती है उसकी, और किसकी कक्षा पहली, किसकी कक्षा दूसरी, ये समझिए इसके अंदर अभी। उसके बाद मेन चीज जो देखी जाती है कि हमारा, हम जानते हैं कि चंद्रमा से गोचर मैंने आपको पीछे बताया है। आज मैं एक कुंडली पे 2-3 गोचर लगाकर आपको दिखाऊंगा। चंद्रमा से गोचर मैंने आपको बताया है कि चंद्रमा से, जन्मकालीन चंद्रमा से डिफरेंट ग्रह अलग अलग जगह पर पॉइंट्स देते हैं। यानी जन्मकालीन चंद्रमा से जैसे सूर्य का गोचर 3, 6, 10, 11 भावों में अच्छा होता है। जहां पे आपका जन्मकालीन चंद्रमा है उसको अगर आप लगन बना लें कुंडली में,
तो उससे देखें कि अगर तीसरे छठे दसवें या ग्यारहवें भाव में सूर्य बैठा है तो वो गोचर सूर्य का अच्छा कहलाता है, सूर्य वहां खुश होता है, पॉइंट देता है। इसी प्रकार चंद्रमा, अगर जन्मकालीन चंद्रमा से 1, 3, 6, 7, 10, 11 भावों में हो, 1, 3, 6, 7, 10, 11 भावों में हो तो उसका गोचर भी शुभ होता है। तो जहां पर जन्मकालीन चंद्रमा है उसको लग्न बनाया और उससे चेक किया कि जो गोचर का चंद्रमा है, जो आज का चंद्रमा है, वो 1, 3, 6, 7, 10, 11 भावों में से अगर है तो वो शुभ गोचर माना जाता है। इसी प्रकार से फिर मंगल का गोचर है, मंगल का गोचर जन्मकालीन चंद्रमा से 3, 6 और 11 भावों में अच्छा होता है, 3, 6 और 11 भावों में अच्छा होता है। और साथ में शनि, शनि भी 3, 6 और 11 भावों में ही अच्छा होता है। तो मंगल और शनि का गोचर एक जैसा होता है, दोनों ही जन्मकालीन चंद्रमा से तीसरे छठे और ग्यारहवें भाव में अच्छे होते हैं। सूर्य राहु केतु का गोचर भी एक ही होता है, तीनों ही जन्मकालीन चंद्रमा से तीसरे छठे दसवें और ग्यारहवें भाव में अच्छे होते हैं। बुध का गोचर 2, 4, 6, 8, 10, 11 यानी जन्मकालीन चंद्रमा से दूसरे चौथे छठे आठवें दसवें और ग्यारहवें। आप ऐसा समझ लीजिए कि 2, 2+2 हो गया 4, फिर 4+2 हो गया 6, फिर 6+2 हो गया 8, फिर 8+2 हो गया 10, लेकिन बाद में 11 आ गया। तो याद करने में आपको आसानी रहेगी कि 2, 4, 6, 8, 10 और 11। तो ये गोचर होता है बुध का, जो कि जन्मकालीन चंद्रमा से बुध अगर इन स्थानों पे हो तो पॉइंट देता है, अच्छा होता है गोचर में। उसके बाद आता है बृहस्पति का गोचर। बृहस्पति का गोचर जो होता है वो अच्छा होता है 2, 5, 7, 9, 11 यानी जन्मकालीन चंद्रमा से दूसरे पांचवें सातवें नवें और ग्यारहवें भाव में अगर बृहस्पति गोचर करे तो अच्छा होता है, उससे शुभ फल मिलते हैं। उसके बाद शुक्र का गोचर आता है। शुक्र गोचर में सबसे ज्यादा पॉइंट देता है। शुक्र गोचर में क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 एक से लेके 5 तक काउंट कीजिए, फिर 8, 9, 10 छोड़ दीजिए, 11, 12 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12 यानी इन स्थानों पे शुक्र अगर जन्मकालीन चंद्रमा से गोचर करे, जहां पे जन्मकालीन चंद्रमा है कुंडली में उसको अगर लगन बना के देखते हैं, गोचर का शुक्र देखते हैं, अगर इन स्थानों पे गोचर करता है तो हम मानते हैं कि शुक्र का गोचर शुभ है और शुक्र जिस राशि में गोचर करेगा उस राशि में पॉइंट देगा। तो ये कक्षा और चंद्रमा से गोचर मैंने आपको बताया कि जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं। हालांकि कहावत श्लोक में कहा है सर्वेशु लग्नेशु, यानी हर लगन से हम गोचर देख सकते हैं, लेकिन चंद्रमा की प्रधानता, तो चंद्र लगन से गोचर कैसे देखते हैं वो मैंने आपको बताया डिफरेंट डिफरेंट भावों में जन्मकालीन चंद्रमा से। अब इसमें एक कुंडली लगा के मैं आपको अगर दिखाऊं तो आपको समझने में ज्यादा आसानी रहेगी। एक कुंडली लगाता हूं मैं इसके अंदर, एक सेकंड में आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूं। ये एक कुंडली है एक जातक की, आप भी इसका समय नोट कर सकते हैं, 25 अक्टूबर 1989 का जन्म है, 4:56 सुबह गाजियाबाद। तो ये कुंडली एक जातक की है जो कि करीब 31 वर्षीय जातक है, 31 वर्ष का जातक है और ये अभी बाहर फॉरेन कंट्री में रहता है। इसकी कुंडली आई है कि ये देखें कि ये एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, क्या ये नया बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, क्या ये दशाएं फेवरेबल हैं, क्या गोचर फेवरेबल है जिससे कि बिजनेस स्टार्ट किया जा सके। एक बात मैं आपको और बता देता हूं कि देखिए दशा जो रिजल्ट देने वाली होती है वो हमेशा दशा होती है, रिजल्ट तो आपको दशा से ही मिलेगा। गोचर रिजल्ट में सिर्फ कमी पेशी कर सकता है, गोचर आपको रिजल्ट नहीं देता, ये आप ध्यान रखिए बिल्कुल बात, गोचर से रिजल्ट में थोड़ी कमी पेशी होती है।
दशा अगर आपको रिजल्ट देना चाहती है और गोचर आपका शुभ है तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर होके मिलेगा, और दशा आपको देना चाहती है और आपका गोचर अगर अशुभ है, गोचर शुभ नहीं आ रहा है, तो रिजल्ट आपको बहुत रुकावट से और या तोड़ मोड़ के मिलेगा। क्योंकि गोचर का काम सिर्फ इतना होता है कि वो आपको रिजल्ट देता है, इसलिए उसको हम कोरियर बॉय भी बोलते हैं। वो सिर्फ कोरियर बॉय है, वो कंपनी से फल लिया यानी दशा से फल लिया और इंसान को डिलीवर कर दिया, जातक को डिलीवर कर दिया। अब ये कुंडली है, इस कुंडली में मंगल लग्न में बैठा हुआ है, बुध लग्न लग्नेश है वो भी लग्न में बैठा हुआ है। कुंडली आप ये देख रहे हैं और इस कुंडली को देखने के बाद आपको मैं इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज और बताऊंगा कि इस जातक की जो शादी हुई है वो 5 नवंबर 2017 को हुई है। 5 नवंबर 2017, तो 5 नवंबर 2017 की हम लोग दशाएं निकाल लेते हैं। ये देखिए, अगर 5 नवंबर 2017 की हम लोग दशाएं निकाल लें इनकी, ये आ गया है अगस्त 2017 से प्लस कर लेते हैं इसको, ये देखिए, तो 5 नवंबर 2017 से मतलब हुआ कि चंद्रमा में केतु और केतु में राहु की अंतरदशा थी। ठीक है, तो अब अंतरदशा केतु की अंतरदशा है, अब प्रति अंतरदशा राहु की है। तो राहु के बारे में तो आप जानते हैं कि राहु विवाह कराने में कारक होता है, राहु विवाह कराता है, तो वो तो ठीक है। अंतरदशा भी क्या सपोर्ट चाहती है, अंतरदशा भी कहती है कि विवाह होना चाहिए इस तारीख में या इस तिथि में। तो देखें हम केतु कहाँ बैठा है हमारा, केतु हमारा 11वें भाव में बैठा है और केतु की जो नवी दृष्टि है यानी 7, 8, 9 नवी दृष्टि इसके विवाह के भाव पे है, इसलिए केतु भी अपनी दशा में विवाह भाव को एक्टिव कर रहा है, तो इसलिए विवाह भाव के फल भी केतु देगा। और इसके साथ साथ राहु, जैसे मैंने आपको बताया कि राहु तो शादी कराता ही है, क्योंकि 31/10/2017 से 2/12/2017 तक की दशा इसमें बैठ रही है। अब यानी ये तो हुआ कि दशाओं के हिसाब से इसका विवाह होना चाहिए, लेकिन गोचर कैसे फिट बैठता है कि जिस दशा में विवाह होना चाहिए भाव सिद्धि काल के हिसाब से कब उसका सही बैठता है, 5 नवंबर 2017 जो उसकी शादी की डेट है क्या वो सही बैठती है या नहीं बैठती है, क्या उस डेट पे विवाह होना चाहिए था गोचर के हिसाब से या नहीं होना चाहिए था। तो अगर हम भाव सिद्धि काल लगाएं, भाव सिद्धि काल जो मैंने आपको पीछे वाली कुंडली में बताया है उसमें मैंने आपको ये बताया है कि जिस भाव के रिजल्ट देखने हो यानी जिस भाव के शुभ फल आपको चाहिए हो, तो हमें शुभ फल किस भाव के चाहिए, 7वें भाव के। 7वां भाव हमारा कौन है, 7वां भाव हमारा ये है, इसका स्वामी कौन है, गुरु। गुरु किस राशि में बैठा है, मिथुन राशि में। तो हमको ये देखना है कि जिस भाव के रिजल्ट हम लोगों को चाहिए हो, जिस भाव के रिजल्ट हम लोगों को चाहिए हो, उस भाव का स्वामी जिस राशि में बैठा है उस राशि में या उस राशि के त्रिकोण में अगर बृहस्पति आए गोचर में तो उस भाव के शुभ फल मिलेंगे। आई रिपीट, जिस भाव के शुभ फल आपने देख रहे हो कि वो भाव के शुभ फल आपको कम मिलेंगे, तो उस भाव का स्वामी जिस राशि में बैठा है उस राशि में या उससे त्रिकोण में बृहस्पति आए गोचर में तो उस भाव के फल मिलेंगे। तो त्रिकोण क्या हुआ, त्रिकोण तो जैसे आपको मालूम ही है कि पहला त्रिकोण कुंडली में होता है 1, 5, 9, दूसरा त्रिकोण हो गया 2, 6, 10, तीसरा त्रिकोण हो गया 3, 7, 11 भाव, चौथा त्रिकोण 4, 8, 12 भाव, 4 त्रिकोण होते हैं। तो अब इसमें अगर आप देखें, इसमें आप ये देखते हैं कि जो 7वें भाव का स्वामी है वो है बृहस्पति, बृहस्पति बैठा है मिथुन राशि में। यानी कहने का मतलब है कि जब गोचर का बृहस्पति मिथुन राशि में आए 3 नंबर में या 7 नंबर राशि में आए जो दूसरा त्रिकोण है या 11 नंबर राशि में आए तो इसका विवाह संभव है, इसका विवाह होना चाहिए। यानी बृहस्पति गोचर का 3rd, 7th, or 11th राशि में होना चाहिए तो इसका विवाह संभव है। अब इसका हम देखें, जब इसकी शादी हुई 5 नवंबर 2017 को, तो क्या बृहस्पति
तीन नंबर राशि में, सात नंबर राशि में या ग्यारह नंबर राशि में था उस समय गोचर का बृहस्पति, जो उस समय बृहस्पति था वो इन तीनों राशियों में था किसी में से, तीनों में से एक में। अगर तीनों में से एक में था तो वो कंफर्म करता है कि हाँ शादी होनी चाहिए, फल शादी टाइम पे हुई है, उसके हिसाब से हुई है। तो हम यहाँ चेक करते हैं गोचर, तो गोचर लगाते हैं हम 5 नवंबर 2017 का। तो मैं यहाँ लगा लेता हूँ 5 नवंबर 2017 का गोचर लगा देता हूँ मैं आपको यहाँ पे। जैसे 2017 का गोचर हम लोगों ने लगाना है तो ईयर मुझे कम करने पड़ेंगे इसमें से, एक सेकंड मैं आपको थोड़ा सा कम करके दिखाता हूँ। 2017 में से कम करने पड़ेंगे एक इसमें से, ईयर यहां से हमने कम कर दिए 2017 का, ये ईयर आ गया। फिर हमें चाहिए नवंबर, जनवरी सैटरडे 14 जनवरी 17 का आ रहा है, हमें चाहिए नवंबर। नवंबर के लिए फिर हमको मंथ बढ़ाने पड़ेंगे, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। और डेट हम देख लेते हैं, 5 तारीख है तो डेट घटा लेते हैं 1 2 3 4 5। तो ये 5 नवंबर 2017 का गोचर हमारे सामने आ गया। ये तो कुंडली जो हमारी जन्म कुंडली है वो है, और ये बाहर जो है ये गोचर कुंडली है। ये गोचर कुंडली, ये तो जन्म की कुंडली है जो जब बच्चा पैदा हुआ था। बाहर जो कुंडली है ये गोचर की कुंडली है, यानी गोचर में ग्रह 5 नवंबर 2017 को कहां थे। तो 5 नवंबर 2017 को बृहस्पति कहां था, बृहस्पति 7 नंबर राशि में था। तो हमारे हिसाब से भी जैसे कि हमने बताया, जैसे कि मैंने पहले बताया इसके अंदर कि बृहस्पति यानी भावेश जिस राशि में हो, भावेश कौन था सातवें भाव का, बृहस्पति यानी भावेश जिस राशि में हो उस राशि में या उससे त्रिकोण में, चूंकि भावेश 3 नंबर राशि में था उसका त्रिकोण हुआ 7 11 3 7 11, बृहस्पति गोचर का आए तो शुभ फल मिलते हैं। अब देखिए यहाँ बृहस्पति गोचर का आया है तो ये मिल रहे हैं इसके, तो ये मतलब कंफर्म करता है कि हाँ विवाह इसका इस वक्त होना चाहिए था, ठीक है विवाह का योग है इसके अंदर। गोचर भी सपोर्ट कर रहा है, अब वो भी सपोर्ट कर रहा है, दशा भी सपोर्ट कर रही है। अब हम ग्रह उस चार्ट पे आ जाते हैं दोबारा से। अब इसका क्वेश्चन कुछ डिफरेंट है, ये तो हमने केवल एक एग्जांपल दिया आपको कि कैसे हम भाव सिद्धि काल गोचर को चेक करते हैं। अब दूसरे गोचर हम चेक करते हैं, दूसरे गोचर कैसे चेक करते हैं, दूसरे गोचर चेक करने का तरीका क्या बताता हूं उसके अंदर। कि सबसे पहले तो आप ये देखिए कि चार चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतरदशानाथ महादशानाथ, वैसे अंतरदशानाथ को आप मेनली ले लीजिए, अंतरदशानाथ गुरु और शनि। देखिए गुरु जो है ब्लेसिंग का कारक होता है, शनि टाइमिंग का कारक होता है, समय का कारक होता है। शनि टाइमिंग ठीक करता है, गुरु ब्लेसिंग देता है। तो अगर गुरु और शनि का गोचर कुंडली में अच्छा हो और दशा भी आपकी अच्छी हो तो बहुत अच्छे फल मिलते हैं, और बाय चांस दशा आपकी प्रतिकूल हो, दशा आपकी अच्छी ना हो और गुरु और शनि का गोचर भी अच्छा नहीं अगर है तो आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। तो ये गुरु और शनि का गोचर सही है या नहीं है ये कैसे देखें। अब जैसे हम इसका इसी कुंडली में देखते हैं, इन्होंने कहा है कि मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं अभी, तो कैसे कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं। तो देखिए, तो सबसे पहले तो हम गोचर देखते हैं चंद्रमा से। जैसे मैंने बताया कि जन्मकालीन चंद्रमा से गोचर हमको देखना है, तो जन्मकालीन चंद्रमा से अभी जो दशा चल रही है इनकी अंदर दशा, वो चल रही है राहु की, राहु की अंदर दशा चल रही है। तो जन्मकालीन चंद्रमा से गोचर मैंने ये बनाया है, जहां पे जन्मकालीन चंद्रमा, देखिए चंद्रमा किस राशि में है, 5 नंबर राशि में है, तो ये 5 नंबर राशि की कुंडली बनी हुई है, ये आज की कुंडली है, आज से गोचर है ये। तो इस गोचर से अगर आप राहु को देखें तो राहु कहां पर है, 7 8 9 10 दसवें भाव में है। यानी राहु का गोचर अच्छा होता है तीसरे छठे दसवें और ग्यारहवें भाव में जन्मकालीन चंद्रमा से। तो ये जन्मकालीन चंद्रमा की राशि ये है, यहाँ जन्मकालीन चंद्रमा को हमने लगन बना रखा है, उससे दसवें भाव में राहु गोचर कर रहा है, यानी अंतरदशा गोचर सही है। इसका मतलब अंतरदशा सपोर्ट करती है कि भाई आप काम शुरू कर सकते हैं। अच्छा गुरु का गोचर देख लेते हैं कि गुरु का आशीर्वाद है या नहीं है। गुरु का गोचर देखने के लिए क्या करें कि गुरु का गोचर कहाँ अच्छा होता है, 2 5 7 9 11 भावों में। गुरु कहां पर है, गुरु बैठा हुआ है इस वाले भाव में छठे भाव में। यहां से जन्मकालीन चंद्रमा देखें तो 1
दो तीन चार पांच छह, तो गुरु गोचर में सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब शनि देखते हैं, शनि भी छठे भाव में बैठा है, एक दो तीन चार पांच छह, और शनि का गोचर मैंने आपको बताया कि जन्मकालीन चंद्रमा से 3, 6 और 11 भावों में अच्छा होता है। तो शनि का गोचर सपोर्ट कर रहा है, अंतर दशा का गोचर सपोर्ट कर रहा है, बट गुरु का गोचर सपोर्ट नहीं कर रहा। हालांकि इतना देखना ही बहुत है, इससे ही लगता है कि हाँ ये काम स्टार्ट कर सकते हैं, काम हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज, अगर आपको लगे कि भाई कुछ और थोड़ा माइन्यूट डिटेल में जाना है, तो एक चीज और देख सकते हैं इसके अंदर। वो क्या देख सकते हैं कि हम ये चेक करें कि गुरु, जिस गोचर हम लोगों ने देखना है, वो कितने डिग्री का है और किस कक्षा में है, जो मैंने कक्षा आपको शुरू में बताई थी वो वाली। अगर गुरु जिस राशि में है और जिस कक्षा में है, उस कक्षा के स्वामी ने चंद्रमा के अष्टक वर्ग में अगर गुरु को पॉइंट दिया है, तो आपको गोचर अच्छा माना जाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए इसका, गुरु गुरु की डिग्री मैंने यहां दिखाई नहीं पड़ रही है आपको, दिखाई नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि गुरु जो है उसकी डिग्री है अभी 11 डिग्री 41 मिनट। गुरु 11 डिग्री 41 मिनट का है। 11 डिग्री 41 मिनट का मतलब हुआ कि गुरु आया चौथी कक्षा में। पहली कक्षा 0 से 3 45 है, दूसरी 3 45 से 7 30 है, तीसरी 7 30 से 10 15 11 15 है, और चौथी 11 15 से 15 डिग्री है। तो इसका मतलब चौथी कक्षा में आया गुरु। गुरु अभी गोचर में चौथी कक्षा में गोचर कर रहा है, और चौथी कक्षा का स्वामी होता है सूर्य। तो हमें यह देखना है कि सूर्य ने मकर राशि में, जो गुरु मकर राशि में गोचर कर रहा है, सूर्य ने चंद्रमा के भिन्नाष्टक वर्ग में मकर राशि में पॉइंट दिया है या नहीं दिया है। तो हाँ, हम चंद्रमा का भिन्नाष्टक वर्ग खोल लेते हैं, इधर खोल लेते हैं चंद्रमा का भिन्नाष्टक वर्ग, कैलकुलेशंस में आके अष्टक वर्ग आ गया। ये चंद्रमा का भिन्नाष्टक वर्ग है, इसमें देखें कि गुरु सूर्य की उसमें गोचर कर रहा है कक्षा में, और 10 नंबर राशि में गोचर कर रहा है। तो 10 नंबर राशि ये हो गई। अब सूर्य ने गुरु को पॉइंट दिया है या नहीं दिया है, सूर्य ने इस राशि में देखो, यहां पॉइंट इसको नहीं मिला है। यानी गुरु जिस राशि में गोचर कर रहा है और जिसकी कक्षा में गोचर कर रहा है, कक्षा स्वामी ने वहां पे पॉइंट नहीं दिया है। यानी गुरु का गोचर यहाँ, अगर यहाँ भी पॉइंट होता तो 100% कह सकते थे आप पीछे कि आप स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे गोचर थोड़ा सा सपोर्ट नहीं कर रहा है। हालांकि अंतर दशा का गोचर और एक राहु का गोचर, अंतर दशा नाथ का और उसका गोचर, शनि का गोचर सपोर्ट कर रहा है। गुरु गोचर को अगर हम यहाँ भी देखें, तो यहाँ भी गुरु जिस कक्षा में है, गुरु सूर्य कक्षा में है, उस कक्षा स्वामी ने उस राशि में पॉइंट दिया है या नहीं ये देखना होता है। तो गुरु क्योंकि 10वीं नंबर राशि में है, तो सूर्य ने 10 नंबर राशि में पॉइंट नहीं दिया है चंद्रमा के भिन्नाष्टक वर्ग में, इसलिए हम कह सकते हैं कि गुरु का गोचर इसका थोड़ा ठीक नहीं है। बट चूंकि शनि का गोचर और अंतर दशा गोचर ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ही कैन स्टार्ट इस बिजनेस, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर हम एक चीज और देखें, देखिए मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, अगर और भी आपको श्योर होना हो तो आप कर सकते हैं एनिमेटेड ट्रांजिट वन, एनिमेटेड ट्रांजिट नहीं लीजिए, हम इसमें वो ले लेते हैं फर्स्ट चंद्रमा का अष्टक वर्ग। अच्छा देखिए, अब चंद्रमा गुरु जो है, चंद्रमा का अष्टक वर्ग देख रहे हैं हम, ये चंद्रमा का भिन्नाष्टक वर्ग है। हम देख रहे हैं कि गुरु हमारा चौथी राशि, चौथी कक्षा में है। चौथी कक्षा में मीन्स सूर्य कक्षा में, तो सूर्य कक्षा में 10 नंबर राशि में पॉइंट नहीं है। लेकिन एक बात देखिए कि जब गुरु पांचवी कक्षा में आ जाएगा, यानी शुक्र की कक्षा में आ जाएगा, तो शुक्र ने मकर राशि में पॉइंट दिया हुआ है, शुक्र ने मकर राशि में पॉइंट दिया हुआ है। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि आपका टाइम अच्छा है, लेकिन आप अब कितना चलना है उसको, गुरु को एक राशि पार, कक्षा पार करने के लिए 3 डिग्री करीब चलना पड़ेगा उसको, क्योंकि ऑलरेडी वो चौथी कक्षा में तो है ही है। तो 3 डिग्री के लिए कितना टाइम उसको लगेगा वो देख लीजिए, कितने दिन उसको लगते हैं। 1 डिग्री में शायद 12 दिन लगते हैं, तो 3 डिग्री में 36 दिन, यानी 1 महीना। 1 महीने के बाद
शनि का गोचर भी बढ़िया, गुरु का गोचर भी बढ़िया, अंतरदशा गोचर भी बढ़िया, तो आप उसको आंख में से कह सकते हैं कि एक महीने बाद आप काम अपना स्टार्ट कर दीजिए, आपको फायदा होगा। क्योंकि एक महीने के बाद गुरु कक्षा चेंज कर देगा, वो सूर्य की कक्षा से निकल के वीनस की कक्षा में आ जाएगा, क्योंकि फिर गुरु की डिग्री 15 डिग्री से लेके 18 डिग्री 45 मिनट के बीच में हो जाएगी, तो उसको कक्षा चेंज कर देगा और उस कक्षा के चेंज होने से हमें पॉइंट मिल जाएगा। तो ये गोचर यहां पे आपको समझ में आया मेरे ख्याल से। मोबाइल को थोड़ा ऑफ कर देता हूँ, नहीं तो डिस्टर्बेंस इसको होगा। तो मुझे लगता है कि गोचर समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, थोड़ा ट्रिकी जरूर है, पर इस वीडियो को आप एक दो बार देखेंगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। इसमें गोचर में समझने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप जन्मकालीन चंद्रमा से गोचर देखिए, जैसे मैंने बताया आपको, उसके बाद आप देखिए अष्टकवर्ग के हिसाब से गोचर देखिए। अगर जन्मकालीन चंद्रमा से गोचर आपका सही नहीं आता है तो अष्टकवर्ग से देख लीजिए कि जो गोचर है वो गोचर में जिस कक्षा में वो ग्रह गोचर कर रहा है उस कक्षा स्वामी ने उस राशि में पॉइंट दिए हैं या नहीं दिए हैं चंद्रमा के बिना अष्टकवर्ग में। नॉर्मली गोचर देखना होता है अंतर्दशानाथ का, गुरु का और शनि का, जो कि ये तीन इंपॉर्टेंट गोचर होते हैं। यही बताते हैं कि आपके लिए सब कुछ पीरियड जो है वो फेवरेबल है या कैसा है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। समझ आया तो काइंडली लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद, थैंक यू।